जी गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जी? ठीक है जी। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा सुरेश। सुरेश भाई कहाँ से हैं आप? इंडिया से? इंडिया से। कौन सा स्टेट से? कर्नाटक। कर्नाटक से। अच्छा सुरेश भाई, इसका नाम क्या है? इसको लोबिट है। लोबिट कहते हैं इसको। अच्छा तो ये बताइए कितना मीटर होता है इसका? इसका कुछ लगभग गाड़ी सब हेड सब मिलके कम से कम 22-23 मीटर होता है। 22-23 मीटर होता है। अच्छा तो ये बताएं कि यहाँ पर लोबिट चलाने के लिए कुवैत में आदमी को इंडिया का लाइसेंस चाहिए? इधर लाइसेंस बनाने के लिए इंडिया का लाइसेंस चाहिए। अच्छा जी। अगर हैवी लाइसेंस नहीं रहेगा तो हैवी लाइसेंस इधर का नहीं मिलेगा। अच्छा जी, इंडिया का भी हैवी लाइसेंस चाहिए या लाइट? नहीं, इधर का हैवी लाइसेंस बनाने के लिए इंडिया का हैवी लाइसेंस चाहिए। अच्छा, इधर का जो हैवी लाइसेंस बनाना है वो इंडिया से भी हैवी लाइसेंस बना के लाए? अच्छा ठीक है। और ये बताएं इसको सीखने में एक जो अनट्रेंड आदमी है, नया आदमी है जिसने लोबिट नहीं चलाया, हाँ जी, या जिसने कोई गाड़ी भी नहीं चलाया इंडिया में, उसको कितना टाइम लगेगा इसको सीखने में अच्छे तरीके से, महारत में? सीखने का मतलब है हमारा दिमाग का काम है, दिमाग अच्छा रहेगा तो जल्दी सीख जाएगा। इसको सीखने के लिए कम से कम 1 महीना बस। अच्छा जी, 1 महीने में? 1 month में अच्छा दिमाग लगा के सीखेगा तो 1 महीने में। अच्छा जी ठीक है, 1-2 महीने में अच्छा ट्रेंड हो जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा रहती है ना, और इसको कट जो करने में, इसका राउंड में घुमाने में तो वो थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ तो बाद में हमारे हाथ में ही रहेगा ना, वो जल्दी हम लोग सीख जाएगा। ठीक है जी। तो अच्छा ये बताएं कि इसकी 8 घंटे की जो है सैलरी जो है कम से कम कंपनी में कितनी रहती है और ज्यादा कितनी रहती है? देखो हमारा कंपनी में अभी मेरा तो 140 बेसिक है मेरा, तो वो टाइम सब मिलके 220-230 तक आता है। ठीक है जी। अगर दूसरा कंपनी कंपेयर करेगा तो अभी लोबिट में अच्छा पगार है, 250 बेसिक पगार रहता है जी। हाँ 250-300 तो रहता है कुवैत में जी। बाद में वो टाइम सब मिलके जुम्मा का मिलके कम से कम 400-450 तक कमाने को होता है। ठीक है जी। अच्छा ये मेरे को एक और बात बताएं जी कि इसको यानी के एक दो महीने लग जाते हैं, ठीक है, इसको सीखने में? ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा जो है आपकी जो रहायश है वो कंपनी की है? वो सब कंपनी का। हाँ जी, तो रहायश के भी इधर 30-40 दिनार चले जाते हैं कुवैत में, तो वो भी आपको बेनिफिट है? और जो फूड है, जो खाना है, ये भी हमारा कंपनी का? अच्छा आपकी कंपनी का है। ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इन्फॉर्मेशन देने का, क्योंकि ये बहुत सारे लोग सुनेंगे और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा कि कुवैत क्या है। तो तकरीबन मेरा ख्याल अगर कोई नया आदमी आता है तो कितनी देर बाद उसको रिलीज़ मिल जाता है एक कंपनी से दूसरा कंपनी में? कुवैत का हिसाब से 3 साल के बाद रिलीज देना पड़ता है। हाँ, 3 साल के बाद रिलीज हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें जैसे अभी आप माशाल्लाह इसमें बहुत माहिर हैं, कितना अरसा हो गया आपको इधर? मेरा तो अभी कुवैत में ज्यादा साल नहीं होगा, 5 साल हो गए अभी। 5 साल हो गए। ठीक है, अगर कोई आदमी नया आता है और उसका चाहे पगार कम भी है किसी कंपनी में, तो 3 साल उसको रुकना पड़ेगा, उसके बाद किसी भी अच्छी कंपनी में जा सकता है। और इंडिया पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर है ना जी इधर सैलरी। अभी आप देखें कि अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में गाड़ी चलाते हैं तो मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 हज़ार रुपया रहेगा। ठीक है, हाँ जी। और अच्छा, और इधर आदमी को ऊपर जाने का तो बहुत चांसेस है जी, अच्छा सैलरी मिल जाए तो आदमी इसको जो है वो किस्त पे भी ले सकता है, अपना भी बना सकता है। अच्छा इस पे जो लोड है, हैवी मशीनरी होती है? मेरा कम से कम ये ट्रेलर का कैपेसिटी 70 टन का। अच्छा 70 टन का कैपेसिटी है इसकी? ठीक है जी, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, आपका टाइम देने का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ भैया, थैंक यू।